मेरा पीछे वाला चक्का पंक्चर हो गया है। जगन्नाथ भाई को उम्मीद करता है कि जगन्नाथ जी की कृपा से आप सब अच्छे हो गए। चले शुरू करते हैं आज का हमने अबला। तो दोस्तों फाइनल अब रात का 4 बज रहा है, हम उठ चुके, तो ऐसा अभी जो है हम थोड़ा सा वर्कआउट करने रनिंग करने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों फाइनल अब जो हम रनिंग कर रहा है, सुबह भी हो चुका है, हम 10 से 11 किलोमीटर तक अतिक्रम करके आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी जो है हमारा रियल में हम बोल रहे हैं आपको, मेन रोड में हम आ चुके हैं, मेन रोड में रनिंग कर रहे हैं। ऐसे आप लोग देख सकते हैं अभी जो है सुबह भी हो चुका है, अभी हम आए थे इधर रनिंग करने के लिए। तो ऐसा अभी हम बहुत दूर आ चुके हैं, आज संडे है इसलिए हम आए हैं, रात 4 बजने से आए थे, अभी सुबह का 6 बज रहा है, 2 घंटे हुए, हम अभी 10 से 20 किलोमीटर का अतिक्रम कर चुके हैं। तो ऐसे देख सकते हैं अब हम ऑलरेडी मेन रोड में है, हमारा इधर का जो मेन रोड होता है हम उधर तक आ चुके हैं, देख सकते हैं मेरे साइड में लोग भी देख सकते हैं, कोई नहीं है, मैं अकेला ब्लॉग बनने के लिए थोड़ा सा आगे दौड़ के आगे आ गया हूँ। अभी तो थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊँगा, फिर से पीछे जाऊँगा, देख सकते हैं। तो ऐसे इधर जो है हमारा चुंगुड़ी बोलते हैं इसको उड़िया में, उसका चांस होता है ज़्यादा, ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उड़ीसा में, ज़्यादा चुंगुड़ी प्रोड्यूस होता है, देख सकते हैं उस सारे चुंगुड़ी हरी। उधर जो है उसका साउंड हो रहा है ना, वो सारे घेरी है, देख सकते हैं इधर जो दिखाई दे रहा है वो चुंगड़ी का घेरी है, ये सारे इधर साइड भी है। ला 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 दुनिया को छुपा देंगे। तो दोस्तों हम जब रनिंग करने के लिए गए थे तभी हमारा साइकिल कैसे में पता नहीं मुझको, लेकिन लीक हो गया था, पंक्चर हो गया था साइकिल, उसको हम अभी लाए। तो दोस्तों फाइनली हमारा साइकिल का चक्का में जो लीक हुआ था, वो जो साइकिल जो ट्यूब का जो जॉइंट होता है ना उधर से ही लीक हुआ था, इसलिए हमको नया लीक नया ट्यूब पकाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको उल्टा लेते हैं साइकिल को पहले, इसके बाद ये नया ट्यूब है आ गया है, उसको हमको सबसे पहले ओपनिंग करते हैं, उसको खोल कर इसको लगाया जाएगा। अभी नया ट्यूब जो है हमारे को पड़ा सिर्फ 130 रुपीस। तो ऐसे फाइनल अब जो है मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था। वैसे फाइनल अब जो है मैं गया था साइकिल सजाने के लिए, फाइनली साइकिल को उसका एक नया ट्यूब पड़ा, उसके बाद उसका जो ब्रेक वो सही किया, वो ब्रेक जो है रस्ट होकर टूट गया था उसको भी सही किए, नया ब्रेक पकाए, उसके बाद एक नया ट्यूब भी पकाया क्योंकि वो जो जॉइंट होता है जिधर से ट्यूब उधर से ही हमारा जो ट्यूब फट गया था, इसलिए इसको नया पकाना पड़ा। तो वैसे अभी चले जाते हैं नीचे, चेन भी थोड़ा सा टाइट किया साइकिल का। तो ऐसे ये जो है हमारा चार्जर है, इसका जो इधर से छेद हो गया है उसको हम अभी जॉइंट करेंगे, हम एक यूट्यूब में वीडियो दिखाते हैं, उसको जो पेन का पीछे वाला हिस्सा है उसको प्लास्टिक को तरह ला के उसको लगा लिए है, देख सकते हैं हमारा सही तरीके से हम अभी देख रहे थे वर्क कर रहा है, चार्ज भी सही तरीके से हो रहा है। तो ऐसे देख सकते हैं कितना निंजा टेक्निक है, जुगाड़ू टेक्निक, अच्छा लग रहा है, अच्छा टेक्निक है, मेरा सही तरीके से हो गया। तो गाइस अभी अभी एक न्यूज़ सुना है मैंने, मैंने तो ज़्यादा टाइम देखता नहीं हूँ जो न्यूज़ वगैरह। तो गाइस हमारा घर जो है पारादीप से, पारादीप का पास ही है, पारादीप तो बोले तो हमारा घर है, पारादीप हमारा घर से वही 20 किलोमीटर तक हो गया पारादीप। तो गाइस इसीलिए हमारा पारादीप के एक साइक्लोन हुआ है, समुद्र में बंगाल सागर में एक साइक्लोन हुआ है, वो साइक्लोन का नाम क्या है मुझे पता नहीं अभी तक। तो गाइस वो जो साइक्लोन है हमारा पारादीप से और सिर्फ और सिर्फ 110 किलोमीटर दूर में है। तो गाइस 110 किलोमीटर दूर में हमारा जो इधर एक साइक्लोन हुआ है बंगाल सागर में वो हो रहा है, हमारा खेतों में भी धान वगैरह सब कुछ सही तरीके से हो गया है, हमारा धान जो है खेतों में जल्दी से ग्रोइंग कर गया है। तो गाइस मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तो गाइस अभी जो है दशहरा का टाइम है, तो गाइस अभी जो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ भी ज़्यादा खेती किसका नहीं हो, ज़्यादा जो है हवा आने से सब कुछ बिगड़ जाएगा, मौसम बिगड़ जाएगा। तो गाइस क्या होता है ईश्वर की दया से, पहले दिखते हैं।